हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या दिया है, ए बी कंपनी है, उसको 5 करोड़ चाहिए। कितना चाहिए? क्या कंस्ट्रक्शन करने का, नया प्लान डालने का है। तो कंपनी के पास 3 स्ट्रैटेजी है। तो कंपनी सोच रहा है कि पहला शेयर्स का जो 5 करोड़ का इंतजाम है वो इक्विटी शेयर से करेगा, ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर। दूसरा 5 करोड़ का इंतजाम वो ऑर्डिनरी शेयर से भी लेगा और डिबेंचर मतलब लोन से भी लेगा। और थर्ड क्या बोला है, कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर से लेगा, ऐसा कुछ बोला है। तो 3 ऑप्शन है और कंपनी का ईवीआईटी दिया है 40 लाख, मतलब प्रॉफिट दिया है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे सबको, तो सबसे पहले हम लोग को कैपिटल स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो 4 नहीं बनाएंगे, 3 ही सॉल्व करना है, ओके। तो रिक्वायरमेंट कितना है, 5 करोड़ का। कितना है? 5 करोड़। तो पूरा पहला 5 करोड़ कैसे आ रहा है, इक्विटी शेयर से आ रहा है। कैसे आ रहा है? एक शेयर कितने का? 10 रुपये का। तो इधर लिखिए 10 इंच है ना, तो एग्जिस्टिंग की जगह पे डैश मार दो, डायरेक्ट स्टार्ट कर दो इधर से न्यू में, है ना। तो न्यू कितना शेयर्स आ रहा है कंपनी के पास मालूम है क्या? पहला ऑप्शन में 50 लाख शेयर्स है। कितना आ रहा है? 50 लाख शेयर्स। तो 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 5 करोड़ हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फिर जब टोटल लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 5 करोड़ पूरा किससे आ रहा है? इक्विटी से आ रहा है। किससे आ रहा है? इक्विटी, इक्विटी कैपिटल से पूरा 5 करोड़ आ रहा है। तो दूसरे ऑप्शन में क्या बोला है कि कंपनी में इशू 25 लाख ऑफ शेयर्स ऑफ 10 इंच, मतलब 25 लाख इक्विटी से आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2.5 करोड़ किससे आ रहा है? इक्विटी से आ रहा है। और जो नेक्स्ट 2.5 करोड़ है, रिमेनिंग अमाउंट में भी कलेक्टेड इशू ऑफ 2,50,000 डिबेंचर ऑफ 100 इंच। कितने का एक डिबेंचर है? 100 है ना। और इक्विटी शेयर कितने का है? 10 रुपये का, राइट। तो बाकी का 2.5 करोड़ डिबेंचर से आ रहा है। किससे आ रहा है? डिबेंचर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और डिबेंचर पे कितना परसेंटेज दिया है मालूम है? 8%। कितना दिया है? तो इधर 8% लिख देंगे। कितना परसेंट लिख देंगे? 8%। सिंपल। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 5 करोड़, हो गया 5 करोड़। नेक्स्ट क्या बोला है, कंपनी नेक्स्ट ऑप्शन क्या सिलेक्ट कर रही है? शेयर से ले रही है, मतलब 2.5 करोड़ शेयर से आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और नेक्स्ट 2.5 करोड़ किससे आएगा? प्रेफरेंस शेयर से आएगा। और इस पर डिविडेंड कितना है? 8%। तो 8% डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर से आ रहा है 2.5 करोड़। तो इधर लिख दिया 2.5 करोड़, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो जाएगा 5 करोड़। कितना हो जाएगा? 5 करोड़। ये हो गया तुम्हारा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। फिर इधर कॉलम बनाएंगे हम लोग, ये निकालेंगे इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे? तो ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलम हो गया, राइट। ये सेकेंड कॉलम होएगा। तो इंटरेस्ट किस पे निकलता है? डिबेंचर पे निकलता है। इधर देखो डिबेंचर से है क्या? तो डिबेंचर पे नहीं है तो डैश मारो ना। और प्रेफरेंस शेयर है क्या? इधर भी क्या मारेंगे? डैश। और फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? इसको 10 छुपाना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 छुपाना पड़ेगा। तो ये 5 करोड़ अमाउंट है, राइट। 10 छुपा जाएगा तो 50 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 50 लाख इक्विटी शेयर से, 50 लाख इक्विटी शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 50 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? नंबर ऑफ शेयर कौन सा लिया? इक्विटी शेयर्स। अभी ऑप्शन 2 में जाएंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? डिबेंचर पे। तो 2.5 करोड़ पे कितना परसेंट निकालने का है? 8%। तो 2.5 करोड़ पे 8% निकालने का, देखो कितना इंटरेस्ट आता है, 2.5 करोड़ 8%। तो 20 लाख आए, कितना है? 20 लाख। तो 20 लाख इंटरेस्ट लिखेंगे, सिंपल। और प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? नहीं। तो इधर डिविडेंड डैश मार देंगे। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने जाएगा? इसको लेंगे, इक्विटी शेयर को लेंगे। तो 10 छुपा देंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 25 लाख। कितना हो जाएगा? 25 लाख। तो 10 छुपा देंगे तो 50 आ जाएगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अभी थर्ड ऑप्शन में जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, अपने पास डिबेंचर है क्या इधर? नहीं है। तो डिबेंचर नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं। और डिविडेंड किस पे निकलता है? प्रेफरेंस शेयर्स पे। तो देखो प्रेफरेंस शेयर है ना 25 लाख, सॉरी 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ पे कितना परसेंट निकालने का है? 8%। तो 20 लाख आएगा। कितना परसेंट? 8%। तो कितना आएगा? 20 लाख, ओके। और नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा? 10 छुपा देंगे तो 25 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा, ओके। तो ये निकाल के रखने का। अभी आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले ईबीआईटी देखेंगे, जो फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है। तो ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कितना दिया है? 40 लाख। कितना दिया है? कंपनी इतना कमा रही है। तो 40 लाख तीनों में कॉन्स्टेंट लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया तुम्हारा ईबीआईटी। अभी फर्स्ट को सॉल्व करो। तो पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट है क्या इधर? देखो तो डैश मार दो ना, ये अमाउंट नीचे आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दो, है ना। फिर टैक्स माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे?
तो टैक्स देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो टैक्स इधर दिया है 50%, कितना परसेंट बोला है, तो 50% टैक्स निकालेंगे, तो 40 लाख पे 50% टैक्स 20 लाख आ जाएगा, तो 40 लाख में से 20 लाख गया तो कितना आ जाएगा, 20 लाख, है ना। ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर डिविडेंड माइनस करेंगे, है क्या प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड नहीं है तो डैश, तो अर्निंग अवेलेबल कितना हो गया 20 लाख, ओके। किसको अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, किससे डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 50 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो 20 लाख को डिवाइड कर रहे हैं 50 लाख से, 20 लाख को किससे डिवाइड कर रहे हैं 50 लाख से, तो आपको अर्निंग शेयर मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, कितना आएगा, तो ये प्रपोजल 1 का हो गया। अब प्रपोजल 2 में सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे, पहले क्या माइनस करेंगे, तो इंटरेस्ट आएगा इधर, हाँ है ना, कितना अमाउंट इंटरेस्ट 20 लाख, तो 40 लाख में से इंटरेस्ट माइनस किया डिबेंचर का, तो 40 लाख में से 20 लाख गया, तो कितना बचेगा 20 लाख, फिर क्या माइनस करेंगे टैक्स, तो 50% निकालेंगे तो 10 लाख आ जाएगा, तो बचेगा कितना 10 लाख, फिर डिविडेंड है क्या इधर प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड नहीं है, तो इधर डैश मार दिया, तो अपनों का कितना प्रॉफिट अवेलेबल हुआ उसको 10 लाख। अब 10 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से, किससे डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना मालूम है, इक्विटी शेयर्स 25 लाख है ना, तो 25 लाख से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 10 लाख को 25 लाख से डिवाइड करेंगे, इसको भी 0.4 आ रहा है, कितना आ रहा है। अभी थर्ड ऑप्शन सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो देखो इधर डिबेंचर है क्या नहीं है, ये 40 लाख एज इट इज आएगा, फिर क्या माइनस करेंगे 50% टैक्स, तो 40 लाख के ओके, तो कितना हो जाएगा 20 लाख, फिर डिविडेंड दिया ना देखो 20 लाख, डिविडेंड कितना दिया है 20 लाख, तो डिविडेंड क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस करेगा तो आंसर कितना आएगा नील हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, कितना आएगा जीरो, तो कुछ ठेंगा बच रहा नहीं, कुछ भी नहीं बच रहा ठेंगा, फिर अर्निंग पर शेयर भी जीरो ही आएगा ना यार, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर कितना है ये 25 लाख, तो जीरो आ रहा है, कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, तो अभी इधर दो ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है दो ऑप्शन जिससे कंपनी सिलेक्ट कर सकती है, क्योंकि दोनों का अर्निंग पर शेयर इक्वल आ गया ना, तो कंपनी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के साथ जा सकता है, राइट। कंपनी को मार्केट से 5 करोड़ उठाना है, तो जिसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा रहेगा कंपनी वहाँ से पैसा उठाएगा, ये तो जीरो है, तो अभी दोनों का इक्वल आ गया, जिसका ज़्यादा रहता तो कंपनी उठाता, फिर आप आंसर क्या लिखेंगे, अर्निंग पर शेयर प्लान ए एंड बी इज सेम, हैंस दे कैन प्लान, एनी प्लान कैन बी सिलेक्टेड अमंग प्लान ए एंड बी, दोनों में से कोई भी प्लान क्या कर सकते हम लोग सिलेक्ट कर सकते, इस तरह का सम एग्जाम में आने का चांस है ना, तो ये क्वेश्चन था, राइट। तो ये बहुत पुराना जमाने का सम था, ठीक है, देखो ना 2012।